हेलो फ्रेंड, आज हम एस्ट्रिंजेंट का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि पेल के टैचू है। आप यहाँ देख रहे हैं पेल के टैचू, जिसे हम हिंदी में पीला कत्था के नाम से जानते हैं। बात करेंगे इनके साइनोनिम्स की, तो इनके साइनोनिम्स कौन कौन से होते हैं। कत्था हैं, गैम्बियर हैं, कटैचू हैं। बात आती है बायोलॉजिकल सोर्स की, इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीव्स एंड यंग सूट ऑफ एनकेरिया गैम्बियर। इट कंसिस्ट का मतलब होता है इनमें ये जो लीव्स होती हैं, पत्तियों के ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट एंड और यंग सूट ऑफ एनकेरिया गैम्बियर। एनकेरिया गैम्बियर के यंग सूट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनके ड्राइड एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट होते हैं किसके, द लीव्स एंड यंग सूट ऑफ एनकेरिया गैम्बियर। यह एनकेरिया गैम्बियर प्लांट जो होता है उसके ये लीव्स एंड यंग सूट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इनका जब एक्वस एक्सट्रैक्ट ये जो होता है, इसका जब वाटर के साथ इसका प्रिपरेशन किया जाता है, तो ये क्या होता है, जब इसको हम ड्राई करते हैं तो उसी समय क्या प्राप्त होता है, हमें पेल कैटेचू प्राप्त होता है। ठीक है, बात करेंगे इनके फैमिली की। तो इनकी फैमिली कौन सी है, इनकी फैमिली रूबिएसी है। और जियोग्राफिकल सोर्स की बात आती है, तो इसे हम कहाँ कहाँ कल्टीवेट करते हैं। इट इज़ कल्टीवेटेड इन इंडोनेशिया एंड मलाया। इंडोनेशिया एंड मलाया में इन्हें हम कल्टीवेट करते हैं या इनकी खेती की जाती है। बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक की, तो माइक्रोस्कोप में इनका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ऑर्डर क्या होता है, नन, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है। टेस्ट कैसा होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। शेप इनका कैसा होता है, क्यूबिकल मास होता है। और इंटरनल सरफेस कैसा होता है, पेल ब्राउन एंड डल होता है। बात करेंगे इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कौन कौन है। इट कंटेन, इनमें क्या क्या आते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं पहले नंबर पर कैटेचिन। कैटेचिन कितने हैं, ये 7 to 33% हैं, 7 से 33% होते हैं। और कैटेचू टैनिक एसिड कितने होते हैं, ये 25 to 50% होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैटेचू रेड। उसके बाद क्या है, क्वेरसेटीन है। और यहाँ पे पाइरोगैलेल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गैम्बियर फ्लोरोसेसिन है, फिक्स्ड ऑयल है, स्टार्च है। ये इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। बात करेंगे इनके केमिकल टेस्ट की, तो पेल कैटेचू को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला कौन सा है, गैम्बियर फ्लोरेसिन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, पहले हम पेल कैटेचू के एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को लेते हैं, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, उसमें हम NaOH ऐड करते हैं। NaOH ऐड करने के बाद इसमें हम क्या ऐड किया जाता है, लाइट पेट्रोलियम फ्यू ड्रॉप। लाइट पेट्रोलियम को हम फ्यू ड्रॉप ऐड करते हैं, उसके बाद हम उसे सेक करते हैं। और सेक करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्राप्त होते हैं। इनका सेकेंड है क्लोरोफिल टेस्ट। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस इज हीटेड विथ 5 ml क्लोरोफॉर्म। इनके जो सब्सटेंस होते हैं उसको 5 ml क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया जाता है। एंड एक्सट्रैक्ट इज इवेपोरेट इन इवेपोरेटिंग डिश। जो इवेपोरेटिंग डिश होते हैं उसमें जो एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अर्क। जो अर्क होते हैं इज इवेपोरेट, ये इवेपोरेट होते हैं। तो इनका जो अर्क होता है, जब ये इवेपोरेट होते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्रीन रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, अवशेष। इज ऑब्जर्व, ग्रीन अवशेष हमें देखने को मिलता है। जब ये एक्सट्रैक्ट जो इवेपोरेट होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ग्रीन अवशेष देखने को मिलता है। बात करेंगे इनके यूज की, तो इन्हें हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इन्हें हम एस्ट्रिजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, डायरिया के रूप में यूज़ करते हैं, एंड लोजेंजेज के रूप में यूज़ करते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।